2024 में इंडिया के पास जीरो विंस हैं और हम खेलने वाले हैं सीरिया के अगेंस्ट इंटर कॉन्टिनेंटल कप चल रहा है जिसमें इंडिया ने अपना पहला मैच हमने खेला था मॉरिशियस के अगेंस्ट और एक वो बहुत ज्यादा डेड ड्रबर जीरो जीरो ड्रॉ था और उसके बारे में हमने काफी ज्यादा बात की है काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन हमने उसका दिया है कोशिश किया एटलीस्ट कि हम जनता को दे पाए कि इंडिया ने उस पर्टिकुलर मैच में खराब फुटबॉल क्यों खेला तो अगर आपको वो जाना है तो आप ये यहां पर एक वीडियो में लिंक कर दूंगा आप उसमें देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद आप जाकर उसको चेक कर लेना तो आपको करेंट स्टेट ऑफ इंडियन फुटबॉल जो हमारी टीम है उनके प्रिपरेशन के बारे में आइडिया लग जाएगा बट अगर इस पर्टिकुलर मैच की बात करें देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच हमारे लिए हो सकता है बिकॉज न्यू मैनेजर मनोलो मार्केस का यह सेकंड गेम है और अगर हम इस मैच को जीतेंगे तो ऑल एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है बट स्टिल वी वुड हैव अ टाइटल टू गो ऑफ इन दिस न्यू एरा ऑफ मनोलो मार्केस इन इंडियन फुटबॉल विच वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर अस और भाई एक विन बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लिए बिकॉज जैसे कि मैंने कहा वीडियो के स्टार्ट में इंडिया ने दो में एक भी गेम नहीं जीता है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा था और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मनोलो मार्केस ने अपने इंटरव्यू में कही

कह रहा था कि यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना हम सबको वी हैव टू कट सम स्लैक टू द नेशनल टीम मुझे पता है कि सबको रिजल्ट चाहिए मुझे पता है हम सब रिजल्ट के भूखे बट बॉयज आप ही बताओ मुझे वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट कि भाई इमली हमें एक विन मिल जाए जैसे भी खींच खाच के और एल्स वी शुड ट्राई ट्राई टू टू यूज गेम्स एंड परफेक्ट आर स्टाइल ऑफ प्ले बिकॉज अल्टीमेटली जो लॉन्ग रन पर आपको बेनिफिट करने वाला है बॉयज हमेशा रिमेंबर करना इस बात को जो कि मेरा ओपिनियन है कि आप जितना अपने स्टाइल ऑफ प्ले को परफेक्ट कर पाओगे जितना ज्यादा आप उस चीज को एक्सिलेंट लेवल पर प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर होगी कि आप अपने बोन्स में वो चीज फील करो ब्रो इट्स गन हेल्प यू इन द लॉन्ग रन इट्स गन डेफिनेटली हेल्प यू तभी आप मॉडर्न कोचेज बड़े बड़े कोचेज यार्फोस देते हैं इवन अपने यू टीम्स में अपने अकेडमीज में कि यार उनकी जो ये टीम्स हैं उनके अंदर ना ये फिलोसफी जनरेट हो वन दे गन फील दैट गेम तो वो अच्छा ऑटोमेटिकली करेंगे आई एम नॉट दैट दिस शुड कम एट अ कॉस्ट ऑफ द रिजल्ट ऑब्वियसली लेट्स ट्राई टू विन द गेम डेफिनेटली ये प्रायोरिटी रहेगी हमारी बट मीन हमें एक चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर परफॉर्मेंस अनानो के पहले मैच में हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब थी इट वॉज अ बोरिंग गेम इवन हमारे न्यू कोच मनोलम मार्किस ने भी एक बात कही थी यार इट्स इट वॉज अ बोरिंग गेम और उन्होंने कहा इट्स डिफिकल्ट टू प्ले वर्स दैन दिस मतलब जितना खराब हमने मॉरिशस के अगेंस्ट खेला था मतलब इट कांट भी कि हम उतना खराब खेले बट क्या सीरिया हमारे लिए एक टफ चैलेंज होगी भाई लास्ट टाइम हमने सीरिया से मिला था तो सीरिया ने हमें वन डेल हराया था दे व बेटर देन अस इन एवरी सिंगल आस्पेक्ट एंड पोटेंशियली स्कोर लाइन और ज्यादा हो सकती थी लास्ट टाइम हमने सीरिया को कब डिफीट किया था दो में हमने उनको डिफीट किया था उससे लेके अब तक हमने उनके अगेंस्ट

रहेगी बट एवरी वुड कम डाउन टू क्या इलेवन रहेगा हमारा हम कैसे कल के मैच में उतर रहे हैं Because मुझे जहां तक तो लगता है अब इसका क्या रीजन है जो कि मैंने पिछले वीडियो में फिटनेस लैक ऑफ गेम शार्पनेस या फिर सिंपली uh, पहला गेम था और हमने नहीं अच्छा खेला अडेप्ट नहीं कर पाया हम मनो मार्किस के स्टाइल में बट डिड वी नॉट सी टीम क्लिक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या हमने टीम को अडेप्ट करते नहीं देखा टू द मनोलो मार्केस स्टाइल क्या है मनोलो मार्केट स्टाइल क्या आइडेंटिटी हमारी ये जैसे जैसे नेशनल टीम अपना फुटबॉल खेलते जाएगी हमें क्लियर होगा बट हमें कुछ प्रिंसिपल्स पता है ऑन द बॉल मूवमेंट रोटेशन कोई कॉम्बिनेशन ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंसिव ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है अटैक में पेस हमने हमारी रखनी है काउंटर अटैक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड मनोलो मार्के ऐसे मैनेजर है जो कि ऑन द बॉल ज्यादा वर्क रेट चाहते हैं ऑन द बॉल हमें हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ऑब्वियसली यही स्टाइल ऑफ प्ले हम इगोस टीम के अंडर भी डेवलप कर रहे थे कुछ हद तक हमने कर लिया था बट देन जैसे हमने देखा कि हम टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलते थे हम वो सारा चीज छोड़ छाड़ के वी जस्ट नेसल्ड बैक एंड हम डिफेंड करने लग जाते थे दैट वॉज कि भाई आपने जो प्रैक्टिस किया है दो तीन सालों में आप छोड़ दो एंड यू गो बैक एंड आप नेसल डाउन कर जाओ आप भाई लो ब्लॉक खेलो तो यार इट इट डजेंट वर्क इट डजेंट वर्क आप कितने देर तक नब्बे मिनट तक थोड़े आप डिफेंड कर पाओगे यार सामने टीम भी तो ट्राई करेगी वो भी तो गोल स्कोर करेगी बट यहाँ पे मनोलम माकिस के अंडर आई कॉन्ट फील दैट कॉन्फिडेंस इन द टीम

फाइट ना दे इनको ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा भाई यार होम पे हमारे मैच हो रहा है भाई हैदराबाद में मैच हो रहा है तो यार सपोर्ट तो बहुत रहेगा पिछले मैच में भी अच्छा सपोर्ट था हैदराबाद में एंड आई से हार्ट ऑफ टू द पीपल बट कैसे मस्टर करें हम वो स्ट्रेंथ कि हम दोबारा से इंडियन नेशनल टीम को देखें और एक ऐसे मैच में हम जा रहे हैं जहां पर हम सेकेंड बेस्ट हैं एंड बहुत कम चांस है कि हम इस मैच को जीते उनको चाहिए मेयर एक ड्रॉ अगर वो एक सिंपल सा ड्रॉ ले लेंगे ले ले ले, तो उनका भाई पॉइंट हो जाएगा फोर और वो इस टाइटल को जीत जाएंगे तो यार हमें क्या करना है इस मैच में एवरीथिंग वुड स्टार्ट विद द इलेवन तो जो रिपोर्ट

गुरप्रीत पाजी के इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा शॉक स्टॉपिंग भी काम आएगी इसके अलावा मैं नहीं चाहता डिफेंस में चेंज हो यार आई थिंक सना सिंह एंड राहुल बेके हाफ प्लेड वेल यार इनको इनको खेलना चाहिए राहुल बेके भाई ही इज इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस इनको स्टार्ट डेफिनेटली मिलनी चाहिए अब अनवर अली की बात हो रही थी कि ये मैच में हो सकता है अनवर अली को खेलने का मौका मिले बट जहां तक बात है अनवर अली की आई डोंट वॉन्ट हिम टू स्टार्ट बिकॉज हम सबको पता है अनवर अली ने पिछले दो महीनों में भाई कॉम्पिटेटिव फुटबॉल नहीं खेला है ही माइट नॉट बी मैच शार्प जितना हमें पता है जितना हमें आइडिया यहां पर बैठकर बट हो सकता है कि अनवर अली ऑफ द बेंच आके कुछ मिनट

सीरी को खिलाओगे अभी ने तक नेशनल टीम के खिलाफ नहीं है उसके लिए डेब्यू होगा प्ले करेंगे बॉल को आई नो कि मनवीर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा क्रिटिसिजम होते हैं बट बॉयज एट दिस पॉइंट एक्सपीरियंस और बेटर प्रोफाइल कुछ यंग प्लेयर्स है एट दिस पॉलॉड वी हैव में आप क्वेश्चन कर सकते हो ना को देख सकते हो आपके विद इट मैं खुद एडमंड का बहुत बड़ा फैन हुआ जब उसने पिछले के पिछले मैच में जब खेला था कुछ मिनट्स मिले थे मुझे जहां तक लगता है मे बी फ्रंट लाइन में और मेड में बहुत चेंजेस नहीं होंगे The same 11 because these guys are sharp, match fit, and by it's Syria against a achi performance day because boys, it's gonna be a tough game. लेट्स फेस इट इट्स गोना बी अ वेरी वेरी टफ गेम फॉर अस बहुत कम चांस हम जीते बट बॉयज मैं अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखना मैच यार मैच आप लोग को देखने को मिलेगा जियो सिनेमा पे फ्री में स्पोर्ट्स 18 पे देखने को मिलेगा साढ़े सात बजे आज मैच होगा मैं लाइव जाऊंगा आप लोग के साथ बैठ के देखूंगा भाई जीतेंगे हारेंगे एक साथ देखेंगे सपोर्ट करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे अपनी टीम की फिलोसफी को अंडर अ न्यू मैनेजर इन मनोलो मार्केस बिकॉज बॉयज क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है एक्चुअली में सपोर्ट करने में जिगरा लगता है तो क्या जिगरा है आपके पास मेरे पास तो है भाई हम रेडी

एक कॉम्पैक्टनेस एंड इसके साथ अटैकिंग ट्रांजेक्शन में अगर हम क्विक रहे तो वी कैन गेट दो बॉल्स इन टू चॉन्ग टे टू लिस्टेंस सहल की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी भाई मिडफील्ड में हमें भाई पेनिट्रेटिव नहीं रहना है भाई पिछले मैच में मोरिशियस बहुत इजिली हमें भेद पा रही थी हमें मेक मेकश्योर sure करना है कि सीरिया को हम इतना इतना स्पेस ना दे इतना टाइम ऑन द बॉल ना दे प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अपनी टीम को हमें कॉम्पैक्ट रख के खेलना होगा स्पीड में खेलना होगा पासिस को दस बार सोचने होगा सबसे इंपॉर्टेंट भाई पासिस पिक करने होंगे टचेस सही से लेने होंगे ये भाई इट गोज विदाउट सही ये बेसिक्स है ये बहुत प्रिमेटिव है ये प्राइमल है ये हमें सही करना होगा एंड वेन चांस कम्स बरी करना है बरी करना है दैट्स दैट्स ऑल से क्लच होना है सो so भाई लोग दैट that यार बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू लेट मीन ऑफ यू अग्री विथ माई इलेवन अगर नहीं तो आप अपनी इलेवन मुझे बताइए आपको क्या लगता है किस प्लेयर को स्टार्ट करना चाहिए यहां पे एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार, मिलता मैं आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए जय हिंद एंड पीस आउट